हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक भारतीय के लिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्येक भारतवासी को पता चल जाएगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे महान ऋषि मुनि हर घर में तुलसी लगाने को क्यों कहते थे। आज के वीडियो की एक एक बात सत्य है और आप सभी के लिए जाननी बेहद ही जरूरी है। आज मैं आपको तुलसी के गुण, फायदे, तुलसी से कौन कौन से 40 रोग दूर होते हैं, तुलसी लेने की सही मात्रा, सही समय, सही तरीका बताऊंगी। वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आपको मेरी नॉलेज, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ मेरा हौसला ज़रूर से बढ़ाइएगा ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस बनाती रहूं खुशी खुशी। आपका एक लाइक, एक कमेंट, आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बहुत ज़्यादा हौसला व पॉजिटिविटी देता है कंटिन्यू मेहनत करने की। आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ही मैं अपनी मेहनत का फल, इनाम मानती हूँ। तो अब बिना देर के चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तुलसी लेने की सबसे बेस्ट विधि जिससे 40 रोग जड़ से दूर होते हैं। 8 से 21 ताजी हरी तुलसी की पत्तियों को लेकर धो लें व सिलबट्टे पर कूट कर बारीक चटनी सी बना लें। इसके बाद 50 से 125 ग्राम दही में मिलाकर नित्य प्रातः खाली पेट 2 से 3 सप्ताह से लेकर 2 से 3 महीनों तक ले सकते हैं। यह रोग पर निर्भर करता है। यह भी ख्याल रखें कि दही भी ताजा ही हो, खट्टा दही ना हो। इसके अलावा दूसरी विधि है कि आप इस बारीक पीसी चटनी में शहद मिलाकर लें। कफ व श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को तो बारीक पीसी तुलसी की पत्तियों में शहद मिलाकर ही देना चाहिए। दूध के साथ भूलकर भी ना दें। इन विधियों से दवा एक दिन में एक बार ही लेना पर्याप्त होता है, परंतु कैंसर जैसे असाध्य रोगों में दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, जिससे बहुत हद तक कैंसर में भी फायदा मिलेगा। तुलसी से ठीक होने वाले रोग। ऊपर दी गई विधि से आवश्यकता अनुसार 2 से 3 सप्ताह से लेकर 2 से 3 महीनों तक तुलसी का सेवन करने से सर्दी, ताजा जुकाम, जन्मजात जुकाम, खांसी, श्वास रोग, बच्चों का दमा, स्मरण शक्ति की कमी, पुराने से पुराना सिर दर्द, आँखों के रोग, हाई या लो बीपी, हृदय के रोग, खून में कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का बढ़ना, अम्लता, पेचिश, मदाग्नि, कब्ज, गैस, अल्सर, यूरिन का कष्ट से निकलना, यूरिन में जलन, गुर्दे की पथरी, पुरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट की शिकायतें, वृद्धावस्था की कमजोरी, गठिया, सफ़ेद दाग, कुष्ठ व अन्य चर्म रोग, खून की खराबी, शरीर पर झुर्रियाँ, पैरों में बिवाइयाँ, खसरा, पुराने से पुराना बुखार, मलेरिया, महिलाओं की अनेक बीमारियाँ आदि बहुत सारे रोग हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाते हैं। ये प्रयोग कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, खून का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आदि में भी लाभप्रद है। तुलसी की मात्रा व दिन आप रोग को देखकर स्वयं तय कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम या बुखार में 5 से 7 दिन ले सकते हो, इसी से आराम मिल जाएगा। और अगर रोग थोड़ा गंभीर हो तो फिर 2 से 3 सप्ताह भी प्रयोग कर सकते हो, 2 से 3 महीने भी ले सकते हो। बच्चों को तुलसी की आधी मात्रा दें। कौन सी तुलसी अधिक लाभप्रद है व तुलसी के बारे में आवश्यक जानकारी। आयुर्वेदा के अनुसार ध्यान से सुनिएगा, तुलसी हल्की, तीक्ष्ण, कटु, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली, कृमि मींस कीड़ों व दुर्गंध नाशक, दूषित वायु व कफ को शांत करने वाली, पसलियों के दर्द को मिटाने वाली, हृदय के लिए हितकारी, यूरिन संबंधी कष्टों को दूर करने वाली, विष विकार, कोढ़ व अनेक चर्म रोग व हिचकी, उल्टी, खांसी, श्वास व आँख के रोगों में लाभकारी है। तुलसी एक बहुत ही दिव्य व सर्व रोग नाशक औषधि है। तुलसी 2 प्रकार की होती है, रामा तुलसी व श्यामा तुलसी। हरी पत्तियों वाली रामा तुलसी व कृष्ण यानी काले रंग की, कुछ नीला कुछ बैंगनी रंग लिए पत्तियां व शाखाओं वाली श्यामा तुलसी होती है। गुणों में प्राय तो दोनों समान ही होती है, परंतु काली तुलसी में गुण कुछ ज़्यादा होते हैं। तुलसी के पौधे में प्रबल विद्युत शक्ति होती है कि वह उसके चारों तरफ 200 गज तक प्रवाहित होती है। जिस घर में लहलहाता तुलसी का पौधा होता है वहां आकाश की बिजली कभी भी नहीं गिरती है, मच्छर मक्खी कीटाणु भी नहीं होते हैं।
मैंने ये जानकारियाँ आयुर्वेदिक ग्रंथों से ली है। आयुर्वेद हमारी भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है। प्रत्येक भारतवासी को इस पर यकीन करना ही चाहिए। वह इसकी महत्ता को सारे विश्व में पहुँचाना चाहिए। आयुर्वेद में सभी बीमारियों को दूर करने की, वो भी जड़ से और हमेशा हमेशा के लिए, औषधियाँ बताई गई है। परंतु हम हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति को ना अपनाकर जरा भी सर्दी जुकाम बुखार होने पर एलोपैथी दवा की तरफ भागते हैं, जो कि बीमारी को दबा तो देती है पर उसे जड़ से ठीक नहीं करती है। हाँ, मानती हूँ आयुर्वेदिक दवाओं में हल्का सा टाइम जरूर लगता है, परंतु ये औषधियाँ बीमारी को जड़ से ठीक करती है। तो आप सभी अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, और अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तुलसी की प्रवृत्ति थोड़ी गर्म होती है, तो गर्मी में इसकी कम मात्रा लें। वह तुलसी को कभी भी दांतों से चबाकर ना खाएं, यह भी ग्रंथों में लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी नॉलेज पसंद आएगी। स्वस्थ रहें, सफल बने। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।